चीज पे किसी की सियासत नहीं चमकेगी, इस चीज पे आप किसी का मलबा नहीं डाल सकते। आप 9 मई के वायदे को बार बार दोहराते हैं तो ये भी बड़े से कम नहीं है, तो इतना बड़ा सरिया हो जाता है, घरों को चलाया जाता है, उस इलाके के लोग अपनी सर बचाने में पहले मेरी बेटियां जाके खेतों में रात गुजारती है। आपकी रेत, आपकी पुलिस, आपके कानून के इदारे सो रहते हैं। शेर आपके साथ ऐसा हो, अभी आपके साथ ऐसा हो, मैं जिस दिन ये टीवी पे देखा तो मेरे जमीन गले पांव निकल गई। क्या ये हमारा पाकिस्तान है? क्या ये हमारा वही पाकिस्तान है जहाँ रिजर्व सीट दिखा के खुश किया जाता है, अकलियतों का बार नारा लगाया जाता है? ये वो पाकिस्तान नहीं रहा। आजकल इंसाफ के लिए मेरी बहनें रोती फिरती, इंसाफ नहीं मिलता। क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक मसले नहीं है, मसी बिरादरी मेरे भाइयों के, उनके जॉबों के लिए, रिटायरमेंट के लिए, पेंशन के लिए मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग दिक्के काते हैं। मेरी बहनें जाकर सारी रात में जब जाके वहां सोई है तो आप लोगों ने सारी रात कुछ नहीं किया, तो हम आपसे मुतालबा करते हैं, पूरे पाकिस्तान के ख्वाजा सरा बिरादरी मुतालबा करते हैं। ये जो जनावाला में वाकया हुआ है, जहाँ पर ये आग की होली खेली गई है, मैं अपनी पूरी अखिलती कम्युनिटी हिंदू बरादरी की तरफ से इसकी परजोर मुजम्मत करती हूँ। और हम सब, चाहे आप मसीही हो, चाहे हम हिंदू हो या और कोई रिलीजियस अखिलत के लोग हैं, हम सब के दुख एक से हैं। हमें नहीं पता कल कौन आकर किसी कोई एक झूठा इल्जाम लगाकर हमारी इबादत गाहों को जला देगा, हमारी बस्तियों को जला देगा। और ये एक फ्रेंड बन गया है। अगर शांति नगर, जोजफ कॉलोनी और दूसरे ऐसे जो वाकयात हुए उनके मुसलमान को सजा दी गई होती तो आज ये इस तरह के वाकयात नहीं होते। वाकयात होते ही मुजम्मत की जाती है, आके बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और फिर एक नए वाक्य का इंतजार किया जाता है। क्या रियासत इसलिए मुस्लिम अखिलत है जो हमारी अखिलत लोग हैं उनको वो इतना भी तहफ़ुज़ नहीं दे सकती? हम कैसे कहेंगे इस मुल्क में महफूज है, आग के साए में महफूज है, खौफ के साए में महफूज है? हमारे वो बच्चे, वो औरतें, वो बहने जिन्होंने वो रात गुजारी वो खौफ के साए में रात गुजारी, क्या उन बच्चों को हम ये बोलेंगे कि आप पाकिस्तान में पर अमन रहो, आपके साथ रहने वाले आपके भाई हैं? उनके जहन में जो वाकयात नक्श हो चुके हैं, जिस तरह से वो नफ्सियाती ट्रॉमा में आए हैं, उनका मदावा किस तरह होगा? रियासत को पुलिस वाले भी, प्राइम मिनिस्टर का भी सुनने आपने आ रहा है अखबार काकड़ साहब का, कि वो बड़ी बड़ी प्रोटोकॉल्स के साथ अब जनावाला विजिट कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि जब ये वाकया हो रहा था उस वक्त ये प्रोटोकॉल कहाँ थी? उस वक्त पुलिस ऐसा आईजी जो 5 बजे से जब नारे लगाए जा रहे थे, जब मसाजिद से इंतजार फैलाया जा रहा था, सुबह 5 बजे से जब ये गिरदोनवा के अंदर सजा फैलाई जा रही थी, तब ये आईजी कहाँ था? इंसाफ देगा?
कोई तवक्को नहीं है। पंजाब पुलिस पे हमारा नो कॉन्फिडेंस है। हमारा मुतालबा ये है कि सुप्रीम कोर्ट स्लो मोटो एक्शन ले, इस पे मॉनिटरिंग बेंच बनाए और इस पे जेआईटी तश्कील दी जाए, क्योंकि पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पे हमारा नो कॉन्फिडेंस है। आईजी पंजाब, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, पंजाब पुलिस ईमान ये सलीब है, हमको ये अजीज है। ईमान ये सलीब है, हमको ये अजीज है। निशान ये सलीब है, हमको ये अजीज है। ईमान ये सलीब है, हमको ये अजीज है। जिंदगी ये सलीब है, हमको ये अजीज है। हमारे दरमियान हमारे मसीह लीडर मुश्ताक बच्चू साहब मौजूद है, वो अपना दुख का इजहार करना चाहती है और हुकूमत से अपने मुतालबात पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले ऐसी सोच रखने वालों को जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम का इंतजाम किया, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ ही साथ पंजाब फैसलाबाद में जलावाला में जो वाकया एक तत्सव की बुनियाद पे हुआ, जहाँ पर चर्चिस को जलाया गया, जहाँ पर बाइबल मुकद्दस को जलाया गया, जहाँ पर क्रॉस को तोड़ा गया, जलाया गया, जहाँ पर हमारी जवान बेटियाँ, हमारे बुजुर्ग भाई पहले जिन्होंने भी तुमसे मुसम्मत करता हूँ और वही सजा दी जाए जो के कुरान पाक के जलाने के बाद होती है। वही सजा दी जाए, वही सजा दी जाए जो हजूर पाक की शान के में जो कुछ गुस्ताखी करता है तो उसके बाद होती है। आप देखें कि वहां पर घर जला के, वहां पर चर्च बादल के जलाया गया, उसके हमारे पास सबूत है। अगर वहां पर किसी ने कुरान पाक के आयत की बेहरमती की थी तो हम उसकी भी पुरजोर मुसम्मत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब कानून मौजूद है तो फिर आपने अपना कानून क्यों बनाया? आपने हमारे घर हमारे चर्चिस को क्यों जलाया? हम ये कहते हैं कि आप सरकारों में मसीह बच्चों पर झूठे मुकदमे, पेशावर में चर्च पर खुदकश हमले, पेशावर के 80 शहादा को मटाल में चर्च पर हमला, सरकोदा में झूठे मुकदमात, जोसफ कॉलोनी में मुफ्तियों का जलाया जाना, शांति नगर में वसी घरों का जलाना, जड़ा लवाला में गिरजा घरों का जलाना, आसिया बीबी पर झूठा मुकदमा, मजरूर वसी की शहादत, मसीह की शहादत, सावन मजूर पर झूठा मुकदमा,
क्या बखा तुम्हें याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। तो पीते नर्स ऑफ राज हॉस्पिटल में जोन याद रखा जाएगा, याद रखा जाएगा। लाहौर में मेंटल हॉस्पिटल में उसी ही नर्सों पर जबरदस्ती नक्शों पर ठीके उस्मान मसीह और उसकी माता की शहादत हिल में मसीहों पर जोन बाइबल मुकद्दस का जलाया जाना गिरजा घरों का जलाना चर्च पर हमला किया जाए।